हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू MBM। फर्स्ट SOP को मतलब स्किन ओरिएंटेड प्रैक्टिकल में हमें जो एप्लीकेशन दिया हुआ है वो रिब्रे ऑफिस दिया हुआ है। द रिब्रे ऑफिस सूट इज द कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेस, स्प्लिट शीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग डायग्राम एक्सेट्रा। LibreOffice has been the translate into the 40 language। ये जो एप्लीकेशन हमें क्यों वर्क करने के लिए दिया हुआ है इज ए ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। जैसे इसका सिमिलर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करके है जो ओपन सोर्स नहीं है, उसके अपोजिट क्लोज सोर्स है। मतलब हमें पेड करना पड़ता है, पे करना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों को, तब जाके हमें सारे फीचर्स मिलते हैं। बहुत जन पायरेटेड यूज़ करते हैं, वो गलत है, लेकिन इन्होंने जो एप्लीकेशन बनाया हुआ है ऑफिस का, LibreOffice, सेम वर्क करता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे, लेकिन ये फ्री कॉस्ट है। तो इसमें अलग अलग एप्लीकेशन में से प्रोग्राम दिए हुए हैं। इसमें से फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग डॉक्यूमेंट देखेंगे इज ए वर्ड प्रोसेस। वर्ड प्रोसेस है, ये वर्ड प्रोसेस क्या वर्क करता है तो उन्होंने दिया हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है, लिख के रखना है, WYSIWG मीन्स वॉट यू सी इज वॉट यू गेट। फुल स्टैंड फॉर दिया उन्होंने यहाँ पे W, वॉट यू सी इज वॉट यू गेट। तो वर्ड प्रोसेस के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसका एक्सटेंशन भी दिया है ODT। हम लोग प्रैक्टिकल देखने वाले हैं तो मैंने इसे मिनिमाइज़ किया, मैंने डेस्कटॉप में यहाँ पे एप्लीकेशन एक तो इंस्टॉल करके रखा हुआ है। आपके सिस्टम में नहीं रहेगा, मोबाइल में भी अवेलेबल नहीं है एप्लीकेशन। जो भी वर्क करना है हमें कॉलेज के अंदर वर्क करने को मिलेगा, लेकिन जब भी इंस्टॉल करेंगे हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो LibreOffice के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पर जो मेरे पास पेज ओपन होने वाला है वो है LibreOffice का सॉफ्टवेयर जो डॉक्यूमेंट फाउंड दिया हुआ है। मैंने जैसे ही ओपन करने के बाद ये स्क्रीन आ गई है। तो LibreOffice में हमें एप्लीकेशन अलग अलग है, जैसे स्प्लिट शीट है, प्रेजेंटेशन है, डेटाबेस है। यहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया है, स्प्लिट शीट दिया है, प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। तो मैं डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक किया, मैंने इसे डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे को यहाँ पर ब्लैंक स्क्रीन आई हुई है। ऊपर सबसे पहले अनटाइटल लिखा हुआ से टाइटल बार बोला जाता है, भोजन को मालूम रहेगा। मेनू बार है, ये मेनू बार कमांड प्रोवाइड करता है। द लिस्ट ऑफ कमांड्स हैं जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये मेनू है। जैसे हम लोग अलग अलग टाइप के मेनूस हम लोग ने देखे रहेंगे, जैसे होटल्स में हम लोग मेनू देखते हैं अलग अलग टाइप में, वैसे ही ये मेनू है और वैसे ही वर्क करता है। सेम फाइल मेनू फाइल के बारे में ही वर्क करेगा, मीन्स नया फाइल लिया, न्यू डॉक्यूमेंट लिया, मीन्स ओपन करना है, एग्जिटिंग डॉक्यूमेंट ओपन करना है, क्लोज करना है, इसे कॉमन है, सेव करना है ये भी कॉमन है, और यहाँ पे अगर एप्लीकेशन ही क्लोज करना है एग्जिट कर सकते हैं इसको, और प्रिंट देना है तो प्रिंट दे सकते हैं। जैसे एडिट, इसका स्टैंड फॉर मतलब एडिट मतलब चेंजेस करना, एडिटिंग करना, वहाँ पे कंपलसरी आपका कट कॉपी पेस्ट और यही रहेगा। जैसे व्यू है, व्यू मतलब शो करना, मतलब कोई टूल बार ऑन है, ऑफ है, साइड बार नहीं है, ये है, जूम है, फुल स्क्रीन देखना है, ये सारा व्यू काम कर रहा है। मतलब फाइल के बारे में जानकारी देगा, एडिट चेंजेस करने के लिए, व्यू के लिए। इंसर्ट, कोई भी इमेज इंसर्ट करना है, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, मीडिया इंसर्ट करना है या चार्ट इंसर्ट करना है, तो सारा इंसर्ट ही वर्क करेगा। फॉर्मेट मतलब चेंजेस करना, फॉर्मेटिंग करना, मतलब टेक्स्ट के अंदर कोई कलर चेंज करना है या साइज चेंज करना है, अलग अलग इफेक्ट दिया है, स्पेसिंग देखना है, अलाइन करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, ये सारा वर्क इसमें दिया। स्टाइल, अपना खुद का स्टाइल क्रिएशन कर सकते हैं, जैसे मोबाइल में भी हम लोग कोई स्टाइल एक्टिवेट किया तो पूरा स्क्रीन चेंज हो जाता है, वैसे ही दिया। टेबल है, फॉर्म है, टूल्स और ये। लास्ट मैंने प्रैक्टिकल लेक्चर लिया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जो सिमिलर यही एप्लीकेशन के साथ है, मतलब सबका नहीं हुआ था,
कोई स्टूडेंट के, मतलब जैसे ए डिवीजन का लास्ट प्रैक्टिकल जो मैंने करवाया था उसमें मैंने एक लेटर क्रिएट करने के लिए बोला था। तो लेटर क्रिएट करने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे कुछ एड्रेस टाइप किया था, ऐसे कुछ यहाँ पे मैंने एड्रेस के लिए नाम टाइप किया, यहाँ पे मैंने, आपके टाइपिंग का स्पीड नहीं रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रोड का नाम लिखा, मैंने यहाँ पे नीचे डेट लिखा, उसके बाद मैंने टू डियर, टू के नीचे जाके मैंने एंटर, यहाँ पे आ गया कि मैंने एंटर दिया तो नेक्स्ट लाइन हुआ, बैकस्पेस दिया तो वापस एंटर दिया, कीबोर्ड के ऊपर एंटर और बैकस्पेस कमांड्स हैं। मैंने डियर यहाँ पे मैंने सर किया, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट लाइन में मैंने लिखा था अबाउट आवर क्लास, और यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, मैंने इक्वल साइन आर ए एन डी ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर देने के बाद ऑटोमेटिकली पैराग्राफ आ गया था। लेकिन ये एप्लीकेशन में, ये एप्लीकेशन या तो सॉफ्टवेयर में ये कमांड्स अवेलेबल नहीं है, ओनली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही अवेलेबल है। तो यहाँ पे अपने मन से ही आपको कंटेंट लिखना है, लेटर जैसे लेटर लिखा जाता है जैसे ही लेटर लिखा जाता है। तो मैंने यहाँ से कुछ कंटेंट कॉपी किया, मतलब आप कॉपी नहीं कर पाओगे, आप अपने हिसाब से टाइप करो, मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट टाइप करके रख दिया। कंटेंट भी सही ढंग से नहीं आया तो भी मैं इसे सही करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट ऐसे ही कंटेंट टाइप किया, नहीं तो आप किसी को लेटर भेज रहे हो तो आप खुद लेटर लिखना चालू करो। वहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से टाइप कर लिया है, मैंने ये टाइपिंग होने के बाद ही मैंने लेटर लिखा हुआ इतना, और थोड़ा कंटेंट ये करना है तो मैंने इसे ही वापस रिपीट किया, इसे कॉपी कमांड, यहाँ पे कॉपी कमांड डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, या तो मैंने बोला एडिट में जाके हम लोग चेंजेस करने के लिए कॉपी किया, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट प्लेस दिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। ये बेसिक कमांड है, ये अच्छी तरह से आना ही चाहिए, मतलब कन्फ्यूज़न भी नहीं होना। यहाँ पे लास्ट में मैंने क्लोजिंग लाइन दिया, ये मेरा लेटर बन गया। लेकिन इस लेटर को फॉर्मेटिंग करना है, अच्छी तरह से क्रिएट करना है, तो मैंने ये कंटेंट को मुझे ये साइड लेके आना है, लेफ्ट साइड में ये साइड, मतलब टैब दे के देख सकते हैं, या तो ये दो लाइन दिख रही है, इसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे इंडेक्शन बोलते हैं इसे, और इसे मैंने ड्रैग करके ये साइड लेके आया। अगेन देखो मैंने इसे ड्रैग किया, जब मैंने इसे आइडेंटिफाई किया, सिलेक्ट किया, जैसे सिलेक्ट करने के बाद अप साइड में ये रूलर है, रूलर के ऊपर ये उसकी पोजीशन बोला जाता है टेक्स्ट की, इसे बाहर की तरफ ले सकते हैं या तो अंदर की तरफ, मैंने ये साइड किया, मतलब यहाँ से ही स्टार्टिंग होगा वो। तो मैंने यहाँ तक ले लिया, मैंने फोर तक, सेकेंड इसे एंटर किया, मैंने डी ए आर को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर डी ए आर को मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसे मुझे सेंटर करना है तो सेंटर करना है तो यहाँ पे सेंटर किया, और बोल्ड करना है तो बोल्ड किया, मैंने इसे साइज़ बढ़ाना है तो साइज़ मैंने बढ़ा दिया। सेकेंड इसे सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे इसे जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई किया, जो जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है दैट मीन्स ये स्पेलिंग मिस्टेक है। डिक्शनरी में नहीं रहेगा तो किसी का नाम नहीं रहेगा तो डिक्शनरी में, या तो देखो व्हाट और यू के बीच में स्पेस नहीं है, अगर स्पेस देता हूँ मैं तो ये रेड कलर निकल जाता है। क्लासेस का स्पेलिंग गलत है तो यहाँ पे भी मैंने एस को निकाल दिया तो स्पेलिंग मिस्टेक निकल गई। इसे सिलेक्ट किया, ये जो ब्लू लाइन दी हुई है इसे ग्रामेटिकली मिस्टेक बोला जाता है, रेड लाइन इसे स्पेलिंग मिस्टेक बोला जाता है, हम लोग उसे देखेंगे बाद में। लेकिन इसे मैंने एंटर दे के नीचे ले लिया, इसके बीच में स्पेसिंग चाहिए मुझे तो इसे सिलेक्ट किया, स्पेसिंग के लिए यहाँ पे
मैंने फॉर्मेट में गया, टेक्स्ट में गया और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग जो दिया हुआ है यहाँ पे नहीं दिया है लाइन स्पेसिंग यहाँ पे, और 15 दे दिया। ये जो अलाइनमेंट है ये लेफ्ट साइड ऐसे अलाइनमेंट होता है, सेंटर सेंटर में जाता है, जस्टिफाई बोथ द साइड इक्वली अलाइन करता है। और इसे सिलेक्ट करके इसे भी मुझे ये जो पोजीशन है टेक्स्ट की, मैं पोजीशन ये साइड लेके जाना, ये मैंने ड्राफ्टिंग किया। इसे और अच्छी तरह से करना है, इसे बॉर्डर भी देना है, तो बॉर्डर के लिए यहाँ पे कहीं पे बॉर्डर नहीं लिखा हुआ है, या तो ये टेक्स्ट है इसे मुझे कैपिटल करना है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर्मेट टेक्स्ट और टेक्स्ट में अपर केस करना है तो अपर केस किया, बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं। इसका भी स्टार्टिंग के वर्ड कैपिटल होने चाहिए, तो इसे सिलेक्ट किया आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टार्टिंग से लेकर ड्रैग करके मैंने एंड तक लेके गया, और फॉर्मेट में जाके मैंने यहाँ पे टेक्स्ट में यहाँ पे मैंने सेंटेंस केस या तो कैपिटल ईच एवरी वर्ड दिया, मैंने इसे अंडरलाइन देना है तो मैंने अंडरलाइन भी दे दी। इसको बॉर्डर देना है मुझे, तो बॉर्डर देने के लिए मैं फॉर्मेट में गया और यहाँ पे कैरेक्टर के ऊपर क्लिक किया, कहाँ पे क्लिक किया मैंने, कैरेक्टर में, कैरेक्टर में क्लिक किया तो कैरेक्टर खाली कैरेक्टर्स आए, मुझे बॉर्डर चाहिए, यहाँ पे बॉर्डर्स नहीं है, मतलब पेज है, इस पेज को बॉर्डर देना है, तो फॉर्मेट में यहाँ पे पैराग्राफ कैरेक्टर और क्या लिखा है यहाँ पे, पेज स्टाइल, यहाँ पे पेज है, एरिया है, ट्रांसफॉर्म है, फूटर है, यहाँ पे मुझे बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर में मैंने बॉक्स बॉर्डर ले लिया और मैंने इसे ओके दे दिया। लेकिन कंटेंट के साथ जॉइंट हुआ है, मुझे थोड़ा सा कंटेंट अंदर चाहिए, ये बॉर्डर इतने नज़दीक नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे अगेन मैं फॉर्मेट में गया, यहाँ पे मैंने पेज स्टाइल में गया और बॉर्डर को यहाँ पे 0.01 लिखा हुआ है उसे मैंने 11 स्पेसिंग का दे दिया और ओके दे दिया, तो ऑटोमेटिकली मेरा कंटेंट इस तरह, कंटेंट तो आ गया लेकिन मेरा फॉर्मेटिंग थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। मैंने इसे सिलेक्ट किया अगेन और ये जो है इसे मैंने ये साइड ले किया, मेरा पेज का लेआउट इतनी मार्जिन दी हुई है, इसे थोड़ा सा मोमेंट दे सकता हूँ मैं, थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकता, मेरा कंटेंट बाहर की तरफ जा रहा है, स्पेसिंग ज़्यादा लग रही है, तो मैंने इसे सिलेक्ट किया और इसका स्पेस जो है उसे मैं कम चाहता हूँ तो कम देना कोशिश किया मैंने, यहाँ पे स्पेसिंग मैंने 1 का स्पेसिंग दिया, कंटेंट आ गया। और इसे स्टोर करना है तो फाइल यहाँ पे सेव एज, सेव एज में जाके मैंने इस फाइल को सेव करने की कोशिश की, सेव करने के टाइम मैंने यहाँ पे नाम दे दिया मैंने, और कहाँ पे स्टोर करना है उस फोल्डर का नाम देने के लिए मैंने यहाँ पे ईफ में यहाँ पे मैंने आतिश नाम करके सेव कर लिया। थैंक यू वेरी मच।